हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं ऋतिक और आप देख रहे हैं स्टडी हेल्थ की स्पेशल सीरीज मैथ्स एक। तो आज का जो हमारे पास टॉपिक होने वाला डेरिवेशन ऑफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर ज्योमेट्रिकली। अभी तक आपने ए प्लस बी रैंडमली काफी जगह यूज किया होगा, फॉर्मुला हमें पता है क्या होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। वी नो वेरी वेल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। आपने इसकी डेरिवेशन में भी आपने इसकी डेरिवेशन एल्जेब्रिकली देखी होगी। यहाँ पर हमें क्या करते हैं ए प्लस बी का स्क्वायर, दैट मींस ए प्लस बी की यहाँ पर अगर हम इससे मल्टीप्लाई करें देन वी विल गेट अ फॉर्मूला। लेकिन अब जो यहाँ पर सवाल उठता है ज्योमेट्रिकली, हमें करना है ए प्लस बी को डिराइव ज्योमेट्रिकली, तो कैसे? आपके मन में सवाल उठ रहा होगा, तो आइए देखते हैं हम क्या करते हैं। यहाँ पर हमें चाहिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पर एक लाइन लेते हैं, लेट्स से दिस इज अवर लाइन एंड दिस पार्ट इज ए एंड दिस इज अवर बी। अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन में हमें कह रहा है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर हमें फाइंड करना है। तो अब हम क्या करते हैं, इसको हम यहाँ पर एक स्क्वायर की शेप देने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम यहाँ पर एक स्क्वायर बनाएं, देखिए आप इस तरह कुछ, लेट्स से दिस इज एंड देन ये ए हमारे पास, देन अगेन ये ए है हमारे पास एंड दिस इज बी, दिस इज बी, दिस इज बी एंड दिस इज बी। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब आप देखें यहाँ पर हमने ए प्लस बी की साइड थी हमारे पास एक, जिसको हमने स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट किया। अब अगर हम इस फिगर का अपना एरिया कैलकुलेट करें, देखें आप यहाँ पर दिस इज ए, दिस इज ए, सो दिस इज ए एंड दिस इज ऑल्सो ए। सो ये हमारे पास क्या हो चुका है यहाँ पर, इसका ए स्क्वायर अगेन। अब यहाँ पर आप ये देखें, अगर ये मेरे पास एक रेक्टेंगल है, दैट मीन्स ए इंटू बी इसका एरिया हो जाएगा। अगेन दिस वन, अगेन यहाँ पर ये मेरे पास एक रेक्टेंगल आप देख पा रहे हैं, इसका एरिया मेरे पास हो जाएगा यहाँ पर ए इंटू बी। और फिर से अगर आप देखें यहाँ पर मेरे पास ये जो आप पोर्शन आप लास्ट बचता है, ये मेरे पास बी एंड बी की साइड का एक स्क्वायर है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं इसका एरिया क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर। अब अगर मैं इन सारी वैल्यूज को एडअप करूं तो मैं क्या कह रहा हूँ यहाँ पर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या कह रहे हैं यहाँ पर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो आप देखिए किसका इक्वल आने वाला है यहाँ पर, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, इस तरह कुछ। तो देखिए आप किसमें कन्वर्ट हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी में। और ये हमारे पास क्या होने वाला है, अगर हम कहें हमारे पास स्क्वायर का एरिया क्या होता है, तो हम कहते हैं साइड का स्क्वायर। तो साइड हमारे पास यहाँ क्या होने वाली है, ए प्लस बी का स्क्वायर। तो देखें आप ये हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, अपने फॉर्मूले को ए प्लस बी के होल स्क्वायर को एल्जेब्रिकली नहीं, हम यहाँ पर उसको ज्योमेट्रिकली भी डिराइव कर सकते हैं।